हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ बेसिक एलिमेंट के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम फाइल मेनू के अंतर्गत आने वाले कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और क्लोज ऑप्शन है। इनका क्या काम है देखेंगे अपने वीडियो में। तो मैं हूँ राज, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं ओके ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो कि हमने अपने डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम फाइल मेनू में चलते हैं और यहाँ से न्यू ऑप्शन को देखते हैं। न्यू ऑप्शन क्या है? तो न्यू ऑप्शन, जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है, न्यू मतलब नया। तो हमें नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें ऑप्शन दिखता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ से पहले से इंस्टॉलेड टेम्पलेट भी है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से पहले से बना बनाया हमें कुछ टेम्पलेट है जो हमें यहाँ से मिल सकते हैं, जिसका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है अभी। तो हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट वन। ठीक है, उसके बाद हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेव है, तो सेव ऑप्शन क्या करता है? सेव करता है, लेकिन सेव करने से पहले चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं अपने वर्कशीट पे। दिस इज ओके ट्यूटोरियल। ठीक है, ये कुछ भी हम एक सेंटेंस टाइप कर लेते हैं, दिस इज ओके ट्यूटोरियल। और उसके बाद यहाँ से फाइल मेनू पे चलते हैं और यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का बॉक्स आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर हम यहाँ से डेस्कटॉप पे लोकेशन देते हैं कि हमें अपनी फाइल कहाँ पे सेव करनी है, और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे फाइल का नाम हम कुछ भी देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं, माई डॉक्यूमेंट कर देते हैं, कुछ भी अपने नाम से भी आप सेव कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। और एक तरीका है फाइल को सेव करने का, इसका सेव करने का तरीका है कंट्रोल प्लस एस को एक साथ दबाने पे फिर से वापस हम उसी जगह पे चले जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम फिर से डेस्कटॉप चूज करते हैं और यहाँ पे हम नाम देते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से हम सेव पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा सेव का काम है। अब आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट नाम का हमारा फाइल का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, माई डॉक्यूमेंट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये इस नाम से सेव हो चुका है। अब उसके बाद चलिए पहले इसे बंद कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सच में हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है या नहीं। तो यहाँ से सिंपली हम क्लोज ऑप्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ से डॉक्यूमेंट को बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमें हमारे जो भी सेव फाइल्स है उसे देखने के लिए फिर से हमें फाइल मेनू पर जाना होता है और यहाँ से हम दूसरा ऑप्शन जो है ओपन का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओपन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का एक विंडो आ जाता है। तो अगर इसको खोलना है तो हम अपने सिंपली कंट्रोल ओ का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ एक साथ दबाने पे ये बॉक्स आ जाता है आपके सामने। और इसके बाद हमें देखना हमारी फाइल किस जगह है, तो हमने डेस्कटॉप पर सेव की थी और डेस्कटॉप पर सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, तो हमारा ये फाइल था माई डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करते हैं, सिंपली यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये काम है ओपन का कि जो भी फाइल है उसे फिर से ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने सेव किया था सेम वही फाइल है। उसके बाद फिर हम चलिए इसमें कुछ और टाइप कर लेते हैं, इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है सेव एज का। सेव एज का काम क्या होता है, हमें यही फाइल दो जगह पे सेव करनी है, एक में जिसमें लिखा दिस इज ओके ट्यूटोरियल ये तो था ही, हमें ये पूरा लिख के और दूसरे जगह पे सेव करना है। तो हम ऐसा सेव एज का यूज़ करते हैं, सेव एज पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, सबसे पहले वाला ऑप्शन लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर से सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली माई डॉक्यूमेंट टू इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट टू, और यहाँ से हमें लोकेशन देते हैं डेस्कटॉप पर हमें सेव करना भैया। उसके बाद हम यहाँ से सिंपली सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम फिर से जाके देखेंगे अगर डॉक्यूमेंट पे अपने डेस्कटॉप पे सॉरी, तो हमें दो फाइल देखने को मिलेगी। चलिए इसे सिंपली हम बंद कर देते हैं, यहाँ से टोटली क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद डेस्कटॉप पे देखिए माई डॉक्यूमेंट नाम की एक फाइल है और माई डॉक्यूमेंट टू नाम की एक फाइल है, ये दोनों फाइल अलग अलग हो गई क्योंकि हमने सेव एज का यूज़ किया। ठीक, तो दोस्तों हमने जाना इस तरह से कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इन सभी ऑप्शन का क्या यूज़ है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।